जय भीम भूल जुहार सतरंगी सलाम। मैं जब जब 14 तारीख को 14 नवंबर 2014 को जब बप्सा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ कैंपस में, हमारा एक मार्च गया था लोही गंगाडाबा से चंद्रभागा तक, और मैं जिस जगह से आया हूँ यहाँ कालाहांडी उड़ीसा से, उस जगह से ही दो वर्कर्स हैं यहाँ कोयना हॉस्टल में मेस वर्कर्स हैं। और जब हम मार्च लेके वहाँ जा रहे थे तो मार्च के पीछे वो आए थे और मुझे वो बोले थे कि बेटा जो भी हो जाए पीछे मत हटना, आप लोग यहाँ आके डरता है कि हम पीछे नहीं हटते। मैं मेरे बात को शुरू करने से पहले, आज देश में जितना भी दलित अपना संघर्ष कर रहे हैं अपना डिग्निटी के लिए, अपना राइट्स के लिए जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से जय भीम भूल जोहार करता हूँ। जय भीम भूल जोहार वो सोनी सोरी को करता हूँ जो बस धरती आबा बिरसा मुंडा के जमीन से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साथियों में और जय भीम भूल जोहार करता हूँ वही चित्रलेखा जो अपना सेल्फ डिग्निटी और राइट्स के लिए कम्युनिस्ट गुंडों से केरला में लड़ रही है। जय भीम भूल जोहार करता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे साथियों को, जो डाइवर्सिटी तो बोला जाता है लेकिन उनका कल्चरल जो एक्सप्रेशन है, खाने का राइट या इवन जो दिखते हैं लोग उनका भी काइंड ऑफ आइस का जो उनका आइस का या स्किन कलर को लेके जैसे स्टिग्माटाइज किया जाता है, जितना भी लड़ाई अपना आइडेंटिटीज अपना एथनिसिटीज अपना कल्चर को लेके जो लड़ाई हो रहा है उसको मैं यहाँ से जय भीम और भूल जोहार करता हूँ। साथियों हम यहाँ नेशन तक या जो कंट्री है यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अभी यूएसए में जो रेशियल इंजस्टिस के खिलाफ लड़ाई हो रहा है, जो ब्लैक लाइफ मैटर्स बोल के लोग जो लड़ाई हो रहा है, मैं यहाँ से जेएनयू से जय भीम भूल जोहार करता हूँ। हमको बोला जाता है कि ये लोग बहुत सीनिक हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लेफ्ट को, ये लोग यही भी बोलते हैं कि आप हमारे लिए आए हैं यहाँ, जैसे फ्यूडलिज्म में होता है कि एक फ्यूडल होता है और उसका वासाल होता है, वो बोलता है कि तुझे मैं रखा हूँ मेरे लिए तू है, ऐसे यहाँ हमको पब्लिकली बोला जाता है कि हम तुम जो ये यहाँ आए हो रहते हो पढ़ते हो ये हमारे लिए आए हो और पढ़ते हो बोलते हो। तो इसीलिए मैं लेफ्ट का थोड़ा बताना चाहता हूँ, लेफ्ट का सीपीआई अभी जो एआईएसएफ जिसका स्टूडेंट विंग है यहाँ अभी लेफ्ट यूनिटी में गया है, सीपीआई का एक फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे ऐसे डांगे उड़ के, जब 1952 में इलेक्शन हुआ था जनरल इलेक्शन तो बाबा साहब अम्बेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन लड़े थे, तो सिर्फ ऐसे डांगे बोले थे कि मुझे वोट नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन अम्बेडकर को वोट नहीं दीजिए, उस वोट का बैलेट को आप कीचड़ में फेंके हैं। साथियों हमारा देश का कोट ऑन कोट जो फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट सीएम एक है वो केरला से आते हैं, वो ईएमएस नंबूदरी पद है, वो एक लेबर थियरी पर बुक लिखे हैं, वो बोलते हैं उनको दिखता है वो वेदा जो है इनका उनमें उनको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिखता है। साथियों इन लोगों का थियोरिटाइजेशन ये है। साथियों मैं आई जनरली डोंट स्पीक अबाउट माई सेल्फ, आई मीन ऐसे हम ऐसे परिवार से आते हैं कि सब चीज़ों को दबाने के लिए बोला जाता है, सब चीज़ों को सहने के लिए बोला जाता है, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर ए वेरी डीप एंड पर्सनल थिंग फॉर यू थिंग विथ यू। मैं जब हाई स्कूल में था तो कालाहांडी में मैं 4 घंटे के लिए जो ब्रिक किल्स होता है जहाँ ईटा बनाते हैं वहाँ मैं 4 घंटे के लिए 12 रुपये 50 पैसे के लिए काम करता था, दिन को मुझे 25 रुपये मिलता था। जब मुझे JRF यहाँ हुआ और 25,000 उस टाइम हो गया था और मेरे को 6 महीने के JRF एक बार आया था 1,50,000 रुपये तो मैं सारा रात सो नहीं पाया था। साथियों कहने का बात यह है कि दिस इज नथिंग पर्सनल, दिस इज नॉट पर्सनल एट ऑल एट अ डिफरेंट लेवल, इट इज़ वेरी डीप पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजन। कहने का भी बात यह है कि हम एजुकेशन जो बाबा साहब हमको कॉन्स्टिट्यूशन को लेके दिए हैं एक ऐसा राइट है, और ये मेरा पर्सनल स्टोरी नहीं है, आई मीन जनरली इफ यू लुक एट द दलित सोसाइटी आई थिंक आई एम श्योर मोर देन श्योर दैट इट इज मोर ऑर लेस द सेम स्टोरी विद ऑल ऑफ अस। और मेरा जो बात है बहुत लोगों को मेरे साथी को आज हम ना भी लगे, कहने का बात यह है कि हम एजुकेशन एक ही राइट है हमारे पास में जिसको हम लेके हमारा जो ऑपरेशन है उसको हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, और यही मोदी यही मुर्गा चोर मोदी इस इलेक्शन को अभी अंबानी और अदानी को बेचना चाहता है, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि हम एजुकेशन को बेचने नहीं देंगे। साथियों हम आते हैं अब कैंपस के बाद में, कैंपस के बाद यहाँ आते हैं, जब मैं 2009 में यहाँ आया था तो कैंपस में उस टाइम में ऐसा में एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करते थे, मेरा वो हेल्प किए थे इलेक्शन आई मीन
उस टाइम होता था, आई मीन एडमिशन में वो हेल्प किए थे, तो पहला क्वेश्चन वो मुझे पूछे थे और आज वो क्वेश्चन अभी तक भी मुझे याद है। उनका नाम है संदीप सिंह, वो मुझे लगता है अभी राहुल गांधी का ट्विटर बहुत चलाते हैं आजकल। तो उन्होंने पूछे थे कि कलाहानी में अभी भी भूखे मरते हैं क्या। ये उनका लेफ्ट पॉलिटिक्स करने वाले का उनका सेंसिटिविटी होता है। तो ये जो लेफ्ट का आगे पीछे जो घूमते हैं झोला पकड़ के छोटा फटा हुआ चप्पल पहन के, गांव में 100 एकर्स लैंड होगा, उनको जब आप जाके पूछे भैया हमको पता नहीं है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा है, तो बोलेंगे टाटा लिखा, टाटा जिनका लीडर है ना वो लिखा है। तो इनका अंडरस्टैंडिंग ये है। साथियों, हम जो ऑपरेस यूनी का नारा देते हैं, हमको लगता है कि जो ऑपरेशन जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, और रेड भी हो सकता है, भगवा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑपरेस्ड होते हैं उनका बहुत कलर होता है। कोई कास्ट के बेसिस पे होता है, कोई सेक्सुअलिटी के बेसिस पे होता है, कोई जेंडर के बेसिस पे होता है, कोई रेस के बेसिस पे होता है, कोई एथनिसिटी के बेसिस पे होता है, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, कोई रीजन के बेसिस पे भी इवन हो सकता है। हमको एक यूनिटी बढ़ाने का ज़रूरत है। जितना भी ये ऑप्रेस्ड कलर्स हैं उनको एक साथ आने का ज़रूरत है। इनका जो क्या बोलते हैं डायलॉग था, जो जाने कितने दिनों के बाद उनका जो चांद आया था, आज 14 तारीख को ये बक्सा का नीली आसमान से इनका बारिश गिरेगा और ये चांद को डुबाएगा। साथियों आप सीताराम योशी को यहाँ फासिज्म का बात बहुत हो रहा है अभी, तो अभी कारा बोलते हैं कि नहीं बीजेपी फासिस्ट है बोलते हैं। सीताराम योशी उनका स्पीच सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं फासिस्ट नहीं। तो ये लेफ्ट यूनिटी वालों को हम पूछना चाहते हैं कि आप जाइए सीताराम योशी को और कारा को पूछ के आइए कि बीजेपी फासिस्ट है कि नहीं, फिर यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। उनका क्या अवस्था है साथियों? और एक बात है साथी, ये लेफ्ट का लोग है ना सब बात करेंगे, ये मार्क्स को लेनिन को किसी को भी कोट नहीं करेंगे, लेकिन गांधी को कोट करना कभी नहीं छोड़ेंगे साथी। ये अम्बेडकर कोट है ना इनका, ये अम्बेडकर कोट को ये कभी नहीं काटेंगे साथियों। लेकिन हमारा बात हमको बोलते हैं कि रिजेक्ट करने का पॉलिटिक्स करते हैं, ये हमेशा इतना सीनिक होते हैं कि हमेशा रिजेक्ट करने का पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर आपका नियत में खोट है, आप अगर हिपोक्रिट हैं हम, तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। मेरे गांव में एक बात बोला जाता है कि आप कभी शेर को नहीं देखे हैं तो बिल्ली को ही देख लीजिए। मैं बोलता हूँ अगर आप हिपोक्रेसी क्या है नहीं देखे हैं तो लेफ्ट यूनिटों की ही देख लीजिए। मान्यवर कंसीराम साहब एक बात बोले थे कि आप जब भी लड़ाई करने का बात करेंगे, सत्ता को नहीं हिला के लड़ाई नहीं हो सकता है, स्टेटस को हैज टू बी सेकेंड ऑफ, और इनका क्रांति स्टेटस को रहना है और क्रांति लड़ना है। इनका क्रांति ऐसा है साथी कि फेसबुक और ट्विटर में ऐसा आ रहा है कि कुछ दिन बाद मैं बोल रहा हूँ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में 50% ऑफ में आएगा, आप देख लीजिए। हमारा पॉलिटिक्स रिजेक्ट करने का पॉलिटिक्स तो है ही, हिपोक्रेसी को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा जैसा संगठन यहाँ सिंगूर नंदीग्राम और मारी झबी जैसा मसाकर को लेके इतना साल तक रोटी सेकता रहा है, और अभी उस ऐसा और ऐसे पाई एक साथ जाके मजदूरों का रोटी को बेच के खाए हैं अभी। साथियों हम बोलते हैं कि हमारा ये जेएनयू में जो कल्चर है कि हमारा बोलते हैं कि जेएनयू आज सोचता है कल जो सोचता है वो दुनिया आज सोचता है। ये सेल्फ इम्पोज जो एरोगेंस है उसके ऊपर हम बात बताना चाहते हैं कि हमारा एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल जो है वो हजारों साल पहले बोल के गए हैं। अब रविदास को पढ़ेंगे तो बेगमपुरा का बात बोलते हैं वो, जहाँ गम ना हो, जहाँ सोसाइटी का हाथ इसके लिए सुख हो, जहाँ लोग सुखी में ही सुख ना हो, आपके गम में भी आपके पास शेयर कर सके गम, ऐसा एक सोसाइटी का बात करते हैं। और साथियों बात ये भी करना चाहते हैं हम कि आप देखिए जेएनयू का कैंपस में बहुत सारा का आपका स्टिग्माइजेशन होता है, वो दूसरी बहुत तरह से होता है, आपका लैंग्वेज क्या है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। 2014 में हम जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, जेएनयू का नारा एक तरह से देने से भी वही जिस तरह से हमको नज़र में दिखा जाता था कि कहीं डेड बॉडी का काइंड ऑफ है वहाँ, तो इस तरह का भी स्टिग्माइजेशन होता है। साथियों मालकोम एक्स एक बात बोले थे, एक बार एक गाड़ी में चला के जाते हैं और एक रेड लाइट आता है और दूसरी तरफ और एक गाड़ी आता है और साइड में पार्क करता है और
दूसरी गाड़ी में एक वाइट रहता है और हाथ को एक्सटेंड करता है और बोलता है उसका खुद का नाम बोलता है I'm this person and I'm a white person. Would you like to shake hand with me? और Malcolm X बोलता है I have no problem shaking hand with a human being. Are you one? ऐसा बोलता है. तो मेरे जितना भी यहाँ प्रॉब्लम आती है हम आपको मूवमेंट में कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट यू क्वेश्चन योर स्टेटस, यू क्वेश्चन योर कास्ट. सोसाइटी में जो चल के आया है उसको हमको सब कुछ सबको क्वेश्चन करना पड़ेगा. और हमारा सपना ये है, बक्सा का सपना ये है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा समाज बने जहाँ एक प्रोफेसर का बेटा और एक पियन का बेटा एक ही शिक्षा ले, एक ही स्कूल से पढ़े. हमारा मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का और जब हॉस्पिटल का और जितना भी आपका हाउसिंग का जितना भी हमारा मौलिक अधिकार है और ये जो सोसाइटी को बनाने का एक एनलाइटनमेंट इंडिया बनाने का हमारा सपना है और बक्सा इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. इतना बोल के मैं पूर्णा चंद्र नायक जय भीम बुल जोहार करता हूँ.